जोधपुर रहे परिवार से ना मिले ऐसा हो नहीं सकता, और इसलिए 4.5 महीने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी बहन से मिलने पहुंचे हैं। भांजे जसवंत सिंह कचवाहा के निवास पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विमला देवी के पैर छूकर मुख्यमंत्री ने आशीर्वाद लिया है। मुख्यमंत्री का अपनी बड़ी बहन विमला देवी से आत्मीय रिश्ता रहा, और वो जब भी जोधपुर प्रवास पर रहते हैं, जोधपुर के दौरे पर रहते हैं, वो कोशिश करते हैं कि उनसे मुलाकात जरूर की जाए। जब भी वो जोधपुर आते हैं आशीर्वाद लेते हैं, और दिल्ली या जयपुर भी यहां से जब निकलते हैं तो वो आशीर्वाद लेकर ही निकलते हैं। लंबा वक्त हो गया, जोधपुर वो आए नहीं थे। 4.5 महीने के बाद अपनी बहन से मिलने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भांजे जसवंत सिंह कचवाहा के निवास पर पहुंचे हैं। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज सुबह विधानसभा रहे, उसके बाद रायपुर पहुंचे, रायपुर से सीधे जोधपुर पहुंचे। कल बीएसएफ के कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे, इस दौरान योजनाओं की प्रगति की रिपोर्ट भी लेंगे। बजट के बाद भी मुख्यमंत्री पहली बार जोधपुर पहुंच रहे हैं, इसलिए जनता का भी काफी ज्यादा समर्थन मुख्यमंत्री को मिल रहा है। हालांकि जब भी वो जोधपुर पहुंचते हैं तो जोधपुर की जनता पलक पावड़े बिछाकर उनका स्वागत करती है। लेकिन अब जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीरें हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अपनी बहन से मुलाकात की। भांजे जसवंत सिंह कचवाहा के निवास पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं। विमला देवी के पैर छूकर मुख्यमंत्री ने आशीर्वाद लिया है, और मुख्यमंत्री का हम शुरुआत से देखते आए हैं, अपनी बड़ी बहन विमला देवी से आत्मीय रिश्ता रहा है। जब भी उनको मौका मिलता है वो जरूर अपनी बड़ी बहन विमला देवी से मिलते हैं, और यहां तक कि जोधपुर से जब भी वो दिल्ली या जयपुर आते हैं तो वो आशीर्वाद लेकर आते हैं। और परिवारों का साथ बेहद जरूरी, परिवार का प्यार भी जरूरी। ये वो बूस्टर डोज होती है जो आपको प्रदेश के लिए, देश के लिए काम करने की शक्ति प्रदान करती है। और यह आत्मीय रिश्ता मुख्यमंत्री वैसे तो राजस्थान की समस्त प्रजा के साथ, जनता के साथ स्थापित करते हैं, और वो बार बार राजस्थान को कहते हैं कि मैं थासू दूर को नहीं, लेकिन सच ये भी है कि वो परिवार से भी दूर नहीं है। मेरे सहयोगी राजीव गौड़ जुड़ गए हैं। राजीव, बड़ी बहन का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जीवन में एक सर्वोच्च स्थान है, और इसलिए वो जब वहां पहुंचते हैं तो भी पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं, और वहां से दिल्ली या जयपुर आना होता है तो भी आशीर्वाद लेकर आते हैं। देखिए विजेंद्र, ये एक ऐसा रिश्ता है जिसको शब्दों में विविचित नहीं कर सकते। बड़ी बहन की जो भूमिका होती है एक माँ के रूप में भी होती है, और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को विमला देवी जो उनके बड़ी बहन है हमेशा अपने पुत्र के समान ही मानती आई है। जिस तरीके से वो आते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, भाई दूज हो, रक्षाबंधन हो, होली हो, दीपावली हो, त्यौहार पे नहीं भी आ पाते हैं, पूरे स्टेट की जिम्मेदारी होती है, सूबे की जिम्मेदारी होती है। लेकिन रिश्तों के लिहाज से अगर बात कर, अपने भांजे जसवंत सिंह कछवा के माध्यम से लगातार फोन पे फीडबैक लेते हैं। अब आज जब आए हैं जोधपुर, निश्चित रूप से हर बार के दौरे में कोशिश करता है, कई बार मिल भी नहीं पाते तो थोड़ा सा मन में रहता भी है। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हमेशा रिश्तों को, अभी थोड़ी देर पहले जैसे ही वो निवास में, जसवंत सिंह के निवास में भीतर प्रवेश करते, कुछ उनके बचपन के साथी, कुछ उनके मोहल्ले के लोग, इस वक्त अगर बात करें तो मुख्यमंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र सुदापुरा विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे तो लोगों ने आत्मीयता से उनका इस्तकबाल किया है, अभिनंदन किया है। इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने निवास पर है, उस निवास पर है, भांजे के निवास पर, जहां अपनी बहन से जो है मुलाकात कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद दिए, उनके पैर छुए हैं और उनकी तबीयत पूछी है। क्योंकि कोरोना का जब काल था तब काफी परेशानी थी, 4.5 महीने पहले जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आए थे तो हिदायत भी लेकर के गए थे कि हल्की खांसी भी हो तो सब चेक करेंगे। तो कुल मिला के एक परिवार, क्योंकि एक व्यक्ति की जो पहचान होती है, पहले जब परिवार होता है, समाज होता है, उसके बाद 36 कौम के लोग होते हैं, सूबे के लोग साथ में होते हैं, सबकी दुआएं काम करती है। और जब मुख्यमंत्री ने बजट पेश किया था तब भी ये भावना थी हर वर्ग को खुशी मिले। और सबसे बड़ी बात है बुजुर्गों के प्रति हमेशा उनका मान सम्मान करने की जो परंपरा है, जो शिष्टाचार है, जो संस्कृति है, वो आज भी कायम है। और जिस तरीके से
थोड़ी देर जो बुजुर्ग केंद्रीय मंत्री रही हैं चंद्रेश कुमार, इनके पति का निधन हो गया, उनके निवास पर जाकर के भले कितनी ही देरी होगी लेकिन उस संवेदनाओं के मामले में भी संवेदनशील है और खास तौर पर रिश्ते निभाने की जहां तक बात है हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं। सर्किट हाउस में कुछ देर पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से कार्यकर्ताओं से मिले हैं, फीडबैक लिया है, तभी उनके चेहरे पर जो आत्मीयता थी, इनफैक्ट कुछ देर पहले पत्रकारों से जब बातचीत की तो उन्होंने 20 साल से अब तक पत्रकारों के लिए क्या क्या किया है तो वो भी बात उन्होंने जिक्र किया, तो कई तरह की बातें उन्होंने बात करी। तो सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री हर व्यक्ति से गुल्ले मिलने की कोशिश करते हैं जिससे कि अपनी कलम से किसी न किसी का भला कर सके। इस वक्त जसवंत सिंह कछवा के निवास पर हैं जहां पुराने जो लोग हैं आसपास के लोग भी इकट्ठा हुए हैं, कुछ मिल लिए हैं, कुछ मिलने को आतुर हैं और अपने जब यहाँ पहुंचे हैं तो इस घर से उनका वो रिश्ता है, कई बार टिफिन जो है अधिकांश से यहीं से मुख्यमंत्री के लिए जाते हैं और यहाँ मुख्यमंत्री आते तो भोजन भी यहीं करते हैं। माना भी जा रहा है कि इस वक्त भी जो अनुमत जिस तरीके से जो सूचना मिल रही है होली की जो मिठाई आज ठंडा, इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शीतलाष्टमी का ठंडा जो भोजन है वो भी अंदर ले रहे हैं। जब मक्खी की बात करें, सफड़ी की बात करें, राबड़ी की बात करें और यहाँ खास तौर पे केर कुमटी की जो सब्जी होती है आज शीतलाष्टमी का जब पर्व है तो आप सोचिए कि पहले जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत छोटे थे तो शीतलाष्टमी मंदिर के मंदिर जाते थे, उनके निवास के आसपास की बात करें तो बचपन के साथ आज भी गैर लेकर के निकलते हैं, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर सूची का शीतलाष्टमी का पर्व है। ठंडा भोजन जो भगवान को चढ़ा, माता शीतला माता को चढ़ा, वो राजीव शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए और अपनों के साथ।